हेलो गाइस, आई एम वैशाली गिगान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोपेंट्स एंड डिफ्यूजन फर्नेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम टॉपिक्स इन डिफ्यूजन। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो डिफ्यूजन के ऊपर जितनी वीडियोस है यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज डिफ्यूजन प्रोफाइल अभी आपको समझ आना चाहिए। डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन का VLSI टेक्नोलॉजी से लेना देना क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू वॉच दिस वीडियो। सो आज हम देखेंगे डोपेंट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं डिफ्यूजन के दौरान एंड डिफ्यूजन फर्नेस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन फर्नेस भी देखेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज फॉर डिजाइनिंग एंड लेइंग आउट आईसी। जब डिजाइन करना होता है आईसी को, लेआउट करना होता है, तो उसके दौरान कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें कंसीडर करनी चाहिए। देन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट डोपेंट्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स लाइक फॉस्फोरस, बोरॉन, ये जो दो मेन डोपेंट्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डोपेंट्स इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। और फॉस्फोरस बोरॉन के अलावा और कौन कौन से डोपेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्यों हम एज अ डोपेंट नहीं यूज करते वो हम देखेंगे। At last, we will see the diffusion system and the diffusion furnace, which is most important topic from this video. First of all, let's understand the properties for designing and laying out the IC. What are the properties? जब हमें IC को design करना है, layout करना है, जब हम total effective diffusion time निकालते हैं किसी भी impurity profile के लिए, we have to consider the effect of subsequent diffusion cycles also. What happens? Diffusion कब होता है? जब भी हमारे पास concentration gradient है और जब भी हमारे पास temperature है। अब concentration gradient तो हमारे पास always present होगा, even though like अगर मेरे पास एक IC है, IC के अंदर हमने diffusion करा दिया है, यहाँ पर N type है और this is P type, तो यहाँ पर N type region में हमारे पास N type impurity का concentration ज़्यादा है और P type में N type impurity का concentration कम है। अब like ये तो diffusion हो चुका है, but अगर एक कोई next cycle हुई, कोई next process के दौरान again मैंने temperature high कर दिया, temperature high करने पर क्या होएगा, ये जो diffusion है N type region से P type region में और proceed करेगा, right? और फैलेगा। So we have to consider the effect of subsequent diffusion cycle as well. तो जब भी हम error function profile देखते हैं, Gaussian function हमारा दिखाता है diffusion profile, right? So error function और Gaussian function जो है, it these are the function of x upon under root dt, right? So x बताता है कितना डिस्टेंस है, t बताता है टाइम एंड d इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो जब भी हमारे पास एक गिवन सरफेस है, एक कंसंट्रेशन है, जो जंक्शन डेप्थ होती है x1 और x2 व्हिच आर एसोसिएटेड विद द टू सेपरेट डिफ्यूजन हैव डिफरेंट टाइम एंड द डिफरेंट टेम्परेचर। दो जंक्शन डेप्थ के लिए हमें डिफरेंट टाइम चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए अगर d कांस्टेंट है। सो डिफरेंट टाइम डिफरेंट टेम्परेचर पर, इसको ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइम डिफरेंट टेम्परेचर पर हमारे पास अलग अलग जंक्शन डेप्थ मिलेंगी, राइट? इसके अलावा हमारे पास लेटरल डिफ्यूजन भी होता है, लाइक व्हाट इज लेटरल डिफ्यूजन। ये मेरी चिप है, यहाँ पर हमने डिफ्यूजन कराया, अगेन आफ्टर डिफ्यूजन यहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया है। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, ये डिफ्यूजन साइडवेज डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो लेटरल डिफ्यूजन ये कहलाता है, द डिफ्यूजन प्रोसीड साइडवेज फ्रॉम द डिफ्यूजन विंडो एज वेल एज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो प्रोसीड करेगा ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, बट साइडवेज भी इंक्रीज करता है, जो हमारी हमारे लिए सबसीक्वेंट हीट साइकिल में हार्मफुल हो जाता है। इन द बोथ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट, हमने दो टाइप के डिफ्यूजन प्रोफाइल पढ़े थे, दोनों टाइप के डिफ्यूजन प्रोफाइल में जो डिफ्यूजन होता है 75 to 80% इट इज द वर्टिकल डिफ्यूजन, राइट? इन बोथ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द साइड डिफ्यूजन इज अबाउट 75 to 80% ऑफ वर्टिकल डिफ्यूजन। सो अगर वर्टिकल डिफ्यूजन 100 लाइक माइक्रोमीटर हो रहा है, तो इट इज 100 माइक्रोमीटर। सो जो साइड वाइज जो लेटरल डिफ्यूजन और साइड वाइज डिफ्यूजन होगा वो 75 or 80 माइक्रोमीटर होएगा, राइट? सो दिस इज लेटरल डिफ्यूजन। अब आ जाते हैं डोपेंट्स पर।
जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो था डोपेंट्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जानना। हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बोरोन और फॉस्फोरस दीज आर द बेसिक डोपेंट्स ऑफ मोस्ट आईसी। सबसे ज्यादा हम बोरोन और फॉस्फोरस को एज ए डोपेंट और एज ए इम्प्योरिटी यूज करते हैं। आर्सनिक और एंटीमनी ये हाईली सॉल्यूबल है सिलिकन के अंदर, बट ये इनका डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, बिकॉज आर्सनिक और एंटीमनी दोनों बड़े एटम है। सिलिकन के अंदर डिफ्यूज कराने के लिए इनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, सिलिकन छोटा एटम है। दे आर यूज्ड बिफोर एपिटेक्सियल प्रोसेसिंग और अ सेकेंड डिफ्यूजन। अगर सेकेंड डिफ्यूजन कराना है, एपिटेक्सियल प्रोसेसिंग से पहले कराना है डिफ्यूजन, सो वी यूज आर्सनिक एंड एंटीमनी। गोल्ड और सिल्वर भी हम यूज कर सकते हैं, दे डिफ्यूज रैपिडली, बट दे आर, वी ऑल नो, दे आर कॉस्टली। दे एक्ट एज अ रिकॉम्बिनेशन सेंटर, रिकॉम्बिनेशन सेंटर की तरह एक्ट करते हैं और कैरियर लाइफ टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, राइट? सो यहाँ पर अगर हम गोल्ड और सिल्वर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चिप का टाइम, चिप की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। बोरोन एक एक्सक्लूसिव चॉइस है एज एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, राइट? अगर मैं पी टाइप की बात करूँ तो मोस्टली वी यूज बोरोन। नाउ वाई? सो जो और पी टाइप की इम्प्योरिटीज हैं, हर पी टाइप की इम्प्योरिटी के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। बोरोन के साथ लिमिटेशंस नहीं है, बोरोन इज एक्सक्लूसिव चॉइस। अगर पी टाइप इम्प्योरिटी की बात करेंगे, सिर्फ एक ही चॉइस दिमाग के अंदर आती है, दैट इज बोरोन। गैलियम की बात करें तो गैलियम का जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है SiO2 के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। एंड अगर इसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट SiO2 में बहुत ज्यादा है, तो व्हाट वी डिड, हमने SiO2 की हेल्प से हमने एक विंडो बनाई थी। अब गैलियम SiO2 में भी उतना ही फास्ट डिफ्यूज कर रहा है और विंडो में भी उतना ही फास्ट डिफ्यूज कर रहा है, तो इस विंडो के होने का कुछ फायदा हुआ? नहीं। सो गैलियम है तो इट इज हैविंग रिलेटिवली लार्ज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन SiO2, इसीलिए ही इट इज नॉट यूज्ड विद द विंडोइंग ओपनिंग टेक्निक फॉर लोकेटिंग द डिफ्यूजन, राइट? सो जो विंडो लोकेटिंग टेक्निक होती है, विंडो ओपनिंग टेक्निक होती है डिफ्यूजन को लोकेट करने के लिए, अब ये इनऑपरेटिव हो जाएगी। तो गैलियम तो हमारे पास चॉइस आउट हो जाता है। इंडियम, इंडियम इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ हाई एक्सेप्टर लेवल। इसका एक्सेप्टर लेवल बहुत ज्यादा है, 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और बोरोन का 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? सो इट विल नॉट गेट आयनाइज्ड एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अ होल। सो इतना ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा इंडियम, अगर हमने एज अ इम्प्योरिटी और एज अ डोनेटर यूज करा, तो फिर वी विल नॉट बी हैविंग अ गुड कंडक्टिविटी इन द सिलिकन। और हम क्यों इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अब इसका एक्सेप्टर लेवल बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इंडियम इज रूल्ड आउट। देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या प्रॉब्लम है? एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल, सो इट रिएक्ट स्ट्रांगली विद एनी ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द सिलिकन लैटिस, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, तो इट विल नॉट बी एक्टिंग एज अ डोपेंट। नाउ कमिंग टू द एन टाइप डोपेंट, एन टाइप डोपेंट में हमारे पास इतनी लिमिटेड चॉइसेस नहीं है जितनी हमारी पी टाइप डोपेंट में है। पी टाइप में तो सिर्फ एक ही चॉइस थी, एन टाइप में हमारे पास फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सनिक यूज करे जा सकते हैं एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आईसी प्रोसेसिंग। हर किसी के अलग अलग एडवांटेजेस हैं, हर किसी को अलग अलग आईसी प्रोसेसिंग के स्टेज पर हम यूज करेंगे। फॉस्फोरस का जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है देन एंटीमनी एंड आर्सेनिक। सो इसका जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू बोरोन। इससे क्या होएगा? व्हिच लीड टू इकोनॉमी इज रिजल्टिंग फ्रॉम शॉर्टर डिफ्यूजन टाइम। डिफ्यूजन टाइम कम हो जाता है एंड व्हेन द डिफ्यूजन टाइम इज लेसर, इट इज प्रेफरेबल। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, सो द कंक्लूजन इज दैट कि जो VLSI सर्किट फैब्रिकेशन है, उसके लिए जो डोपेंट्स है, कॉमनली यूज डोपेंट्स है, वो है बोरोन, फॉस्फोरस और आर्सनिक। फॉस्फोरस एज अ एमिटर यूज करते हैं, एज अ बेस डोपेंट हम यूज करते हैं, और इट इज ऑल्सो यूज फॉर गैटरिंग फास्ट डिफ्यूजिंग मेटल कंटेमिनेंट। गैटरिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, गैटरिंग एजेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो फॉस्फोरस की कुछ क्वालिटीज है, एमिटर में बेस डोपेंट्स की तरह यूज होता है एंड इट इज यूज एज अ गैटरिंग एजेंट ऑल्सो फॉर डिफ्यूजिंग मेटलिक कंटेमिनेशन, जैसे कि कॉपर एंड एयर, विच कॉज जंक्शन लीकेज करेंट प्रॉब्लम। सो वेन वी आर यूजिंग फॉस्फोरस, तो जंक्शन लीकेज करेंट प्रॉब्लम थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, तो
फॉस्फोरस की क्वालिटीज को देखकर आई कैन से फॉस्फोरस इज इंडिस्पेंसेबल इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो बोरोन। इसीलिए ही बोरोन और फॉस्फोरस हमारे दिमाग में आते हैं एज अ डोपेंट जब भी हम किसी भी डोपेंट को एन टाइप या पी टाइप डोपेंट को रिकोगनाइज करने की कोशिश करते हैं। हाउ एवर एनपीएन ट्रांजिस्टर मेड विद आर्सनिक डिफ्यूज एमिटर, जब हम आर्सनिक डिफ्यूज एमिटर बनाते हैं देन दीज ट्रांजिस्टर हैव बेटर लो करंट गेन करेक्टरिस्टिक्स। लो करंट गेन करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हम आर्सनिक डिफ्यूज्ड एमिटर्स की बात करेंगे। सो आर्सनिक एज अ डोपेंट हम यूज करेंगे एंड ऑल्सो दिस ट्रांजिस्टर इज हैविंग बेटर कंट्रोल ऑफ नैरो बेस विड्थ। नैरो बेस्ड विड्थ अगर हमें बनानी है, इसकी कंट्रोल ज्यादा करना है, देन वी विल यूज आर्सनिक। तो दोज मेड विद फॉस्फोरस डिफ्यूज एमिटर आर हैविंग वर्स करेक्टरिस्टिक्स देन द आर्सनिक डिफ्यूज्ड एमिटर्स। नाउ वीएलएसआई यूज द फॉस्फोरस एज एन एक्टिव डोपेंट इन स्मॉल शैलो जंक्शन एंड लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग विल बी लिमिटेड टू इट्स यूज एज अ बेस डोपेंट ऑफ पीएनपी डिवाइस एंड अ गैटरिंग एजेंट। सो जब भी हमें फॉस्फोरस को यूज करना है एज एन एक्टिव डोपेंट तो वी कैन यूज इट इन अ शैलो जंक्शन लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग एंड वी कैन यूज इट इन द base dopant of PNP device. As a base dopant we can use phosphorus. Arsenic is most frequently used dopant for source and drain region in n-channel MOSFET. N-channel MOSFET draw kar rahe hain hum, n-channel MOSFET banana chah rahe hain chip ke upar, then arsenic will be the better choice. Coming to the diffusion system, which is the most important topic of this video, as I already told you. So, jo impurity delivery a wafer ke andar, it is determined by the nature of impurity source. So, right, jaise abhi nature hai impurity ka, source ka, usse hume pata lagta hai ki impurity kaise deliver hogi. The two-step diffusion is a widely used technique. I hope aapko remember hoga, two-step diffusion is a limited diffusion, right? So, limited diffusion mein hum kya karte hain? Two-step diffusion karte hain, jisme ki ek bar hum impurity surface ke upar accumulate kar dete hain aur second step mein hum temperature increase karte hain. Is technique ko use kar impurity concentration aur profile ko hum bahut carefully control kar sakte hain. The type of impurity distribution, error function diffusion or the Gaussian distribution is determined by the choice of operating condition. Kaisi operating condition, kya temperature, kya time aapne use kara, uske hisab se impurity distribution aap select kar sakte hain. The two-step diffusion में दो steps होते हैं, first is deposition step, second is drive-in step. First step में क्या होता है, we are putting a constant source diffusion impurity, constant source diffusion हो रहा है impurity को, हम सरफेस के ऊपर रखते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इट इज डन एट अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर लाइक 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर तो नहीं है अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, बट आईसी प्रोसेसिंग में डिफ्यूजन के कंपैरिजन में सर लोअर टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर हम कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन करते हैं, हम इम्प्यूरिटी को सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्यूरिटी सप्लाई को शट ऑफ कर देते हैं और जो एग्जिस्टिंग डोपेंट है उसको अलाउ करते हैं कि वो सरफेस के अंदर डिफ्यूज कर जाए। अब सप्लाई नहीं है, जो भी डोपेंट है वो हायर टेम्परेचर करते हैं और उससे वो खुद से डिफ्यूज हो जाता है सेमीकंडक्टर की बॉडी के अंदर, विच इज नाउ हेल्ड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर 1200 डिग्री सेल्सियस में और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में हम इसे रखते हैं। द ऑक्साइड लेयर विच फॉर्म एंटायर सरफेस ऑफ द वेफर ड्यूरिंग दिस स्टेप प्रिवेंट्स फर्दर इम्प्यूरिटीज फ्रॉम एंटरिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग सरफेस लेते हैं जिसमें क्या है, ये जो विंडो है, विंडो में यहाँ पर हमारे पास इम्प्यूरिटी रखी है, इम्प्यूरिटी ड्राइव इन फेज में सरफेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, बट यहाँ इम्प्यूरिटी अपनी जगह पर क्या करेगी, ऑक्साइड बना देगी। यहाँ पर एक ऑक्साइड जैसे जैसे अंदर जाती है यहाँ पर ऑक्साइड की लेयर बनती जाती है। अब ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये क्या करती है, इट विल हेल्प कि जो इम्प्यूरिटीज हैं बाहर से और वो ज्यादा अमाउंट में अंदर ना जाए और जो अंदर ऑलरेडी चली गई है वो बाहर की तरफ डायरेक्शन में ना जाए। सो द ऑक्साइड लेयर विच फॉर्म्स द एंटायर सरफेस ऑफ द वेफर ड्यूरिंग द स्टेप प्रिवेंट फर्दर इम्प्यूरिटीज फ्रॉम एंटरिंग। जो फर्दर इम्प्यूरिटीज है वो एंटर नहीं कर पाती है और जो ऑलरेडी डिपॉजिट है दे विल नॉट डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज बैक डिफ्यूजन भी तो हो सकता है। सो ये जो ऑक्साइड लेयर है ये प्रिवेंट करते हैं। द फाइनल इम्प्यूरिटी प्रोफाइल इज अ फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन कंडीशन, डिफ्यूजन कंडीशंस पे डिपेंड कर ये जो फाइनल इम्प्यूरिटी प्रोफाइल है इसके अंदर वो पता लगते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, टाइम एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स।
सो अब आ जाते हैं डिफ्यूजन फर्नेस पे. डिफ्यूजन फर्नेस, ये यू कैन सी व्हाट इज अ डिफ्यूजन फर्नेस. इट्स अ ट्यूब फर्नेस. जिस ट्यूब फर्नेस, एक क्वार्ट्स ट्यूब के ऊपर एक हमारे पास एक ट्यूब होती है और ये फर्नेस है जिसमें हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेरियस टाइप ऑफ डिफ्यूजन और ऑल्सो फॉर द ऑक्सीडेशन. अ रेजिस्टेंस हीटेड ट्यूब फर्नेस इज यूजुअली यूज्ड. सो इसको हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करा सकते हैं. हाई टेम्परेचर ऑपरेट कराने के लिए एक रेजिस्टेंट हीटेड ट्यूब फर्नेस यूज करते हैं. यू कैन सी दिस थिंग. ट्यूब फर्नेस हैज अ लॉन्ग 2 to 3 meter होलो ओपनिंग. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 to 3 meter होलो ओपनिंग है यहाँ पर. इन टू विच अ क्वार्ट्स ट्यूब, एक क्वार्ट्स ट्यूब है उसके अंदर 100 to 150 mm इन डायमीटर इज प्लेस्ड. सो यहाँ पर ये 100 to 150 mm डायमीटर की क्वार्ट्स ट्यूब प्लेस करी गई है ट्यूब फर्नेस के अंदर. टेम्परेचर फर्नेस का कहाँ पर रखते हैं, 1000 degree डिपोजिशन फेज में. ड्राइव इन पे कितना करेंगे, 1200 degree सेल्सियस. टेम्परेचर विद इन द क्वार्ट्स फर्नेस कैन बी कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली. क्वार्ट्स फर्नेस को क्यों यूज करा है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें कोई एक्सटर्नल रिएक्शंस नहीं होंगी. तो जो टेम्परेचर है उसको 1/2 degree सेल्सियस, 0.5 degree सेल्सियस तक एक्यूरेटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. द सेट पॉइंट टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली ओवर अ हॉट जोन अबाउट 1 meter इन लेंथ. 1 meter तक, 1 meter लेंथ तक, 1 meter लेंथ तक ये जो टेम्परेचर है बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है. दिस इज अचीव्ड बाय 3 individually कंट्रोल्ड एडजेसेंट रेजिस्टेंस एलिमेंट. 3 individually कंट्रोल्ड एडजेसेंट रेजिस्टेंस एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. जो सिलिकन वेफर है यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, दे आर स्टैक्ड अप वर्टिकली. एक क्वार्ट्ज कैरियर के अंदर हम सिलिकन वेफर्स को वर्टिकली लगाते हैं, या ऐसे ऐसे वर्टिकली हम वेफर्स को लगा देंगे इन टू द स्लॉट्स इन अ क्वार्ट्स कैरियर और बोट. इसको बोट भी बोला जाता है जहां पर हम वेफर्स को रखते हैं, इंसर्टेड इन टू द, फिर इस क्वार्ट्स ट्यूब को फर्नेस ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप वर्टिकली आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चिप्स हमने, वेफर्स हमने रख रखे हैं और उसको क्वार्ट्स ट्यूब को हम फिर फर्नेस ट्यूब के अंदर रख देंगे. माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करते हैं जिससे कि टेम्परेचर को बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल कर सके. माइक्रो कंट्रोलर हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करता है और यहाँ पर हमारे पास लिक्विड इम्प्यूरिटी सोर्स है, जैसे कि POCl3 को हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं और वो डिफ्यूज हो जाता है. POCl3, H2O2 और गैशियस सोर्सेज जैसे कि यहाँ पर B2H6PH3, ये सब हम जाएंगे और यहाँ पर से हमारे पास जो भी इम्प्यूरिटी है वो डिफ्यूज हो जाएगी. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोलर इन 3 to 5 zones बाय स्पाइक थर्मोकपल्स. स्पाइक थर्मोकपल्स की हेल्प से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं 3 to 5 zones के अंदर. राइट, डिफ्यूजन ट्यूब्स एंड बोट आर मेड फ्रॉम SiO2 एंड सिलिकन कार्बाइड. नाउ जो हमने हॉरिजॉन्टल फर्नेस डिस्कस करी है, यहाँ पर हम 200 mm वेफर्स को हम प्रोसेस करवा सकते हैं. ये आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर है जो एग्जाम्पल है एक रियल सिस्टम का. सो ये दो सिस्टम्स हैं, रियल सिस्टम है वेट्रॉन 5 एंड जेस्ट्रॉन 7. इन दोनों में कंपैरिजन आप देख सकते हैं. यू कैन सी द कंपैरिजन. यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेफर्स को हम प्रोसेस करा सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे वेफर, 150 वेफर एट अ टाइम, यहाँ ओनली 1 वेफर एट अ टाइम. यहाँ पर थर्मल बजट ज़्यादा है या थर्मल बजट कम है. यहाँ पर गुड कंट्रोल और यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पर भी बेटर कंट्रोल और यूनिफॉर्मिटी है. थ्रूपुट ज़्यादा है वेट्रॉन 5 में और थ्रूपुट कम है जेस्ट्रॉन 7 में. सो दीज आर द रेफरेंसेज, दीज आर वेरी अमेजिंग बुक, यू कैन रेफर दीज बुक्स. आई होप आपको सेशन समझ आया होगा, आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डाउट को कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू गाइज. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स आर अवेलेबल ऑन द वैशालीज ई लर्निंग मोबाइल ऐप एंड यू कैन डाउनलोड द मोबाइल ऐप नाउ. लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गिव आर फीडबैक, you can comment with your feedback and we will be waiting for that. Thank you so much.